गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्कर्दू। इस वक्त हम स्कर्दू इंडस्ट्री होटल में हैं। कल 11 बजे हम स्कर्दू पहुंच आए थे, उसके बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, टेक्निकल गियर्स कुछ खरीदे, अब अस्कोले की तरफ रवाना है। हमारे साथ लीना है जो कि स्वीडन से हैं, मोहसिन अफरीदी पेशावर से, और आतिफ खान कराची से। लीना, रेडी टू गो? रेडी टू गो। इस वक्त हम स्कर्दू से अस्कोली की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ जायद भाई हैं जो जीप चलाते हैं इस रोड पे, और ये शिखर तक इस तरह मेटल रोड है, और उसके आगे फिर शिखर से भी काफ़ी आगे हशुबी और उस तक इस तरह का पक्का रोड है, फिर उससे आगे ऑफ रोड शुरू हो जाता है। वी हैव लीना विद अस। लीना, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन स्कर्दू। इन स्कर्दू वी जस्ट बीन अ कपल ऑफ डेज, वी वेंट टू गेट आवर गियर, वी वेंट टू द कोल्ड डेजर्ट। या इट्स सुपर ब्यूटीफुल हियर, इट्स रियली। हम पहुंच चुके हैं सिंधी से आगे, यहाँ से वाई जंक्शन है। एक वैली जो है वो ब्रालदू वैली जाती है, और दूसरी जो है वो अरंदू। ब्रालदू जो है वो मज़ीद जो है आगे अस्कोली साइड पे जाता है, और अरंदू जो है वो एक और इंतहाई मशहूर और ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स के लिए अहमियत की आमद एक वैली है, जहाँ से इसबरला और मज़ीद वो आगे फिर हंसा और नगर साइड पे जो ट्रैक्स जाते हैं। टीम हमारी जो है वो हाई स्पिरिट्स में है और रास्ते को एंजॉय कर रही है, तो आगे आगे फिर मज़ीद देखते हैं कि क्या होते हैं। ये दासू में एक वाई जी होटल है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं स्कूली जाते हुए। हाउ इज़ द फूड? अमेजिंग, बहुत वेरी गुड। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसमें जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये माइंस हैं, जेम स्टोन्स। इंतहाई मुश्किल काम है यहाँ पे, इन मजदूरों की जो लाइफ है वो हर वक्त थ्रेट पे होती है। ये सामने पहाड़ में जो आपको बिल बने नज़र आ रहे हैं, ये किसी जानवर के बिल नहीं है, बल्कि ये एक माइंस हैं जहाँ से ये मज़दूर जेम स्टोन्स निकालते हैं। अस्कोली से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पहले ये नाला है, और यहाँ पे पुल नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे जाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि हम इसको पैदल क्रॉस करेंगे। वो ब्लॉक जहाँ पे लैंडस्लाइड और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, वहाँ से हम पैदल क्रॉस करके दूसरी साइड पे आए, और यहाँ पे हम दोबारा टीम जो है अपना सामान लोड कर रही है गाड़ियों पे। इस साइड पे लकीली गाड़ियाँ थी। Road is beautiful, a little bit scary if you look down on this side, but it's amazing, it's breathtaking really. जी तो गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम शुमाल के आखिरी गांव अस्कोले में मौजूद हैं, और यहां से K2 बेस कैंप और दीगर जो ब्याफो इस पर लाकर ट्रैक्स हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। शुमाल की तरफ ये आखिरी गांव है, और इस गांव के बारे में एक मशहूर राइटर की राइटिंग है कि यहां से आगे वो लोग जाते हैं जिनकी आँखों में वहशत और दिमाग में फतूर होता है। हमारी कैंप साइट जहाँ पे हमने रात गुजारी, इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं और 7 बजे हमने यहाँ से निकलना है। पहले दिन का ट्रैक जो है वो रफ टेरेन से गुजर के जाता है, और गर्मी भी होती है, इसलिए जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं सारे। ये जी अस्कोली से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे CKNP का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एंट्री होती है ट्रैक पर जाने से पहले, और NOC चाहिए होता है CKNP की तरफ से और कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से। हेलो, हाउ इज द फूड?
वक्त हम असकोली से जोला की तरफ रवाना है और असकोली से जोला जीप ट्रैक बना हुआ था पहले, इस पर जीपें बाद में जो है वो नहीं, परमिशन नहीं थी। जोला कैंप साइट में हम अभी अपनी कैंप साइट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मोहसिन भाई आग जला रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, ठंड है और इस वक्त हम आग के गिर्द बैठेंगे। झूला से पायो की तरफ थोड़ा सा जीप ट्रैक है, तो हम पैदल जा रहे थे तो हमें ये हमारे दोस्त मिले हैं शिखर के, और इन्होंने हमें बोला है कि आ जाए हमारे साथ, तो हम इनके साथ बैठ चुके हैं जी। पायो में आज हमारा जो एल्टीट्यूड गेन था वो 250 मीटर था और 22 किलोमीटर हमने ट्रैक किया है झूला से पायो। हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो पायो से खोबुरसे से फिर उर्दुकस, तो हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही उर्दुकस पहुंच जाए, अगर ना पहुंच सके तो फिर हमारा जो नाइट स्टे होगा वो खोबुरसे में होगा। पायो पहुंचने से पहले हमें ये इंतहाई खूबसूरत पहाड़ नज़र आया, इसके दूसरी तरफ पायो पीक है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर है ये, इंतहाई खूबसूरत, कैमरा शायद जस्टिफाई ना कर रहा हो इसकी ब्यूटी को। और हम तकरीबन पायो से एक घंटा दूर हैं, मौसम तकरीबन साफ होने वाला है, आसमान नीला हो रहा है और सुबह जो बादल थे और कल रात को जो बारिश थी वो अभी उसके आसार ख़त्म हो रहे हैं। इस वक्त हम पेजो कैंप साइट पर पहुंच चुके हैं, ये एक वेल एस्टेब्लिश कैंप साइट है जहाँ पे शावर फैसिलिटी और वाशरूम वगैरह मिलेगा। कायद भाई और बाकी दोस्त पहले से पहुंचे हुए हैं, ये रही जी हमारी कैंप साइट। तो हमारे कुछ दोस्त कपड़े धो रहे हैं और लीना जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं वो हमें कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पायो, और अभी हम रवाना हो चुके हैं उर्दुकस की तरफ, नहीं उर्दुकस नहीं खोबुरसे। कुछ लोग यहाँ से एक दिन में उर्दुकस भी जाते हैं, बहरहाल अपनी कंफर्ट को देखते हुए हमने, क्योंकि हम पिछले दो दिनों से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर ट्रैक करके आ चुके थे, तो आज हमने सोचा है कि हम खोबुरसे जा कर स्टे करते हैं। खोबुरसे का यहाँ से ट्रैक जो है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे गए, तो रास्ते में हमें जो चीज़ें देखने को मिलेंगी उसमें ट्रेंगो टावर्स, पायो पीक और बल्तोरो ग्लेशियर स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त हम बल्तोरो ग्लेशियर के मोरेन पे पहुंच चुके हैं और हमारे नीचे इस वक्त ग्लेशियर है, आपके पीछे बल्तोरो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है, शुरू में मोरेन है उसके बाद में पूरा ग्लेशियर मास है और यहीं से बल्तोरो आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट होता हुआ। ब्राल्डो रिवर अस्कोले और ब्राल्डो वैली से होता हुआ दराय अरंदू में शामिल होता है और फिर वहाँ से इसका नाम दराय शिखर हो जाता है। इस वक्त हम लालीरगा कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में आपको ये बल्तोरो ग्लेशियर से लूज रॉक्स हैं वो गिरती हुई नज़र आएंगी। ये जब धूप निकल आती है तो उसके बाद इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है इसके पास से गुजरना, लिहाजा ऐसा रूट अवॉइड करना चाहिए जिसमें लूज रॉक्स हों और वो गिर रही हों। जी तो हमारे साथ इस वक्त हैं फरमान शिगरी,
जो कि ब्रॉड पीक बेस कैंप से वापस आए हैं, और आप इनके चेहरे से देख सकते हैं इनको कितना सीवियर किस्म का सनबर्न हुआ है। और यही वो असल हीरो होते हैं जो किसी भी एक्सपीडिशन के पीछे जिनका बुनियादी रोल होता है। अगर आप बालतोरों पे चल रहे हैं तो आपको हर नए मोड़ के साथ एक नया पहाड़ मिलेगा जो कि आसमान से बातें कर रहा होगा। जैसे ही हम अपने कैंप साइट से निकले तो हमें पहले मोड़ पे ये पहाड़ नजर आया जो कि इंतहाई खूबसूरत है। इस वक्त हम ओरदकस पहुंचने वाले हैं और ये आपको ब्रॉड पीक नज़र आ रही होगी, उसके बाद फिर ये नीचे बालतोरो ग्लेशियर, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, आगे फिर कैथेड्रल पीक, उसके साथ ट्रेंगो टावर, उली ब्याफो, ये पीछे पायो पीक। यही बालतोरो की खूबसूरती है कि आपको एक जगह पे बैठ के जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों और ग्लेशियर्स का नज़ारा मिलता है। आज हमारे ट्रैक का चौथा दिन है और इस वक्त हम ओरदकस पे पहुंच चुके हैं जिसकी हाइट तकरीबन 4000 मीटर है। और हमारे पोर्टर्स ने और कुक की टीम ने हमारे लिए बकरा सेवा किया और आज रात को बकरा बनाएंगे। यहाँ पे वो मेमोरियल और वो यादगारी तख्तियाँ लगी हुई हैं उन लोगों की जो बालतोरो से मुलका जो पहाड़ हैं उनको क्लाइम करते हुए या वापस उतरते हुए गिर के फोत हो गए थे। मार्कस क्रॉनथेलर ऑस्ट्रियन कोई क्लाइंबर था जिसकी तख्ती लगी हुई है, इसी तरह बाकी सब लोगों की भी। हमें रास्ते में वाइल्ड थाइम नज़र आई जो कि एक हर्ब है और पहाड़ों में यूजुअली इसका कहवा बनाया जाता है। आतिफ भाई तोड़ रहे हैं हमारे लिए वाइल्ड थाइम। सो जूलिया इज प्लकिंग सम वाइल्ड थाइम फॉर अस, बट दिस वन इज नॉट वाइल्ड थाइम। द वन दैट यू आर प्लकिंग इज नॉट वाइल्ड थाइम। या दिस वन इज वाइल्ड थाइम, अदर वन इज नॉट। आपको जो ये दरमियान में जो फलक बोस पहाड़ नज़र आ रहा है इसको K1 कहते हैं, माशाब्रोम भी इसी का नाम है जो कि कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले की एक और ऊंची तरीन चोटियों में से एक है। इसके साथ ये एक इंतहाई बड़ा देव हैकल पहाड़ जो कि तकरीबन कनकोड़िया तक हमारे साथ चलेगा, और इस साइड पे मुस्ताख टावर। तो इस वक्त हम गोरो टू पहुँच चुके हैं। गोरो टू आखिरी कैंप साइट है कनकोड़िया से पहले, और मौसम आज काफ़ी ख़राब रहा, अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, रास्ते में हमें बारिश मिली। यहाँ पे बाकी भी है जो एक्सपीडिशन आए हैं उनके कैंप साइट्स लगी हैं।
इस वक्त हम कोरोटू कैंप साइट पर पहुँच चुके हैं, जो कि सतह समुंदर से 4,300 मीटर की बुलंदी पे है, और ये कनकोडिया जाते हुए आखिरी कैंप साइट है। कल का जो हमारा सफ़र होगा वो कनकोडिया का होगा इंशाल्लाह। सा 35 साल से इस ट्रैक पे आ रहा हूँ, बतौर ट्रैक पे आ रहा हूँ, और स्काई एडवेंचर के थ्रू कई ग्रुप्स किए हैं मैंने, और दूसरे कंपनीज के भी हमने ग्रुप्स किए हैं। यहाँ आने के लिए बहुत सारे मराहिल पेश आते हैं, उनको क्रॉस करना है, तो फॉरनर्स के लिए और जो ट्रैक्स हैं उनके लिए अपने सामान साथ लाने की बहुत ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया, टेंट्स वगैरह, उनके लिए पोटर्स चाहिए। सो ऑल इन ऑल इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक चीज़ का ख्याल रखें कि हम जितनी भी प्रिपरेशन कर लें किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ट्रक के लिए, वो काफ़ी नहीं होती। ट्रैक है कॉन्कॉर्डिया तक बातरो ग्लेशियर पे, ये है तो ग्लेशियर पे, लेकिन शुरुआत में जो हमारे पास ट्रैक आता है वो काफ़ी गर्म होता है और एंड पे काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो यू एक्सपीरियंस ऑल काइंड्स ऑफ वेदर इन दिस, चाहे वो तेज़ तपती हुई धूप हो या ठंडी ठंडी बारिश हो। आज हमारा दूसरा दिन है कनकोडिया पे, और मौसम बिल्कुल क्लाउडी है और दो दिन से बारिश हो रही है, कोई भी पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। हम एक दिन और कोशिश करेंगे यहाँ पे रुकने की ताकि हमें केटू नज़र आ सके। आखिरकार 3 दिन के इंतज़ार के बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है और केटू का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। आपको ये मिड में समिट क्लियर होता नज़र आ रहा होगा, इसके साथ ब्रॉड पीक है जिसका समिट बादलों में छुपा हुआ है, और G4 जो कि सुबह बहुत क्लियर थी अभी दोबारा बादलों में छुप रही है। मानसून के सीज़न में बहुत रेयर होता है कि आपको क्लियर व्यू मिल जाए, जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं 7,000-8,000 मीटर से ऊंचे पहाड़, तो बहुत ज़्यादा दुआओं और इंतज़ार के बाद हमें ये नज़ारे देखने को मिले हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी हम कनकोडिया बेस कैंप पे हैं, कनकोडिया कैंपिंग साइट पे हैं, और आप लोगों के सामने ये सामने केटू, ब्रॉड पीक और इस साइट पे G4, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस मूनसून के सीज़न में हमें केटू के नज़ारे मिले,
So we are here at Concordia, the capital of mountains, and I would like to say thanks to the team Discover Pakistan for giving us an opportunity to regard that amazing track. अगर आप K2 बेस कैंप और कंकोडिया आ रहे हैं और साथ जीजीला भी करना चाहते हैं तो कुछ टेक्निकल गेयर एसेंशियल्स हैं जो आपको अपने साथ रखने होंगे। आपको ग्लासेस आपके पास अच्छे होने चाहिए, पोलराइज्ड और हेडलैम्प, ये बहुत एसेंशियल इक्विपमेंट है। इसके अलावा क्रैम्पॉन्स, और क्रैम्पॉन के साथ आपके पास वाटरप्रूफ हार्ड सोल शूज होने चाहिए जिन पर क्रैम्पॉन्स फिट हो सके, और डाउन जैकेट, जो कि ये एसेंशियल इक्विपमेंट है जीजीला के लिए, और इसकी इनोवा भी होना ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको हर इक्विपमेंट यूज़ करना आता हो ताकि आप सेफ्टी का अच्छी तरह ख्याल रख सकें।